जयपुर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुर्जर आरक्षण को लेकर सचिवालय में बैठक जारी है और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण की स्थिति की समीक्षा को लेकर ये बैठक हो रही है। इस दौरान पेंडिंग भर्तियों में एसबीसी वर्ग को 5 PG आरक्षण की समीक्षा की जा रही है। देवनारायण योजना की भी समीक्षा की जा रही है। वहीं स्कूटी योजना के नाम परिवर्तन को लेकर गुर्जरों ने आपत्ति जताई है। इस दौरान मुख्य सचिव SJED अखिल अरोड़ा ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना का नाम यथावत रखा गया। और हमारे सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, क्या कुछ अपडेट इसके अलावा आप दे पाएंगे, क्योंकि कई मुद्दे हैं। देवनारायण योजना हो गया, स्कूटी का मुद्दा हो गया, उसके अलावा 5 PG आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा हो गया। देखिए, सामाजिक न्याय विभाग का जितने भी मुद्दे थे उसे लेकर जो उन्होंने क्रियान्विति की या जो लाइन ऑफ एक्शन रहा उनका, वो उन्होंने अपनी बात बताई और सामाजिक न्याय विभाग का जो पूरा पक्ष था वो देकर और अखिल अरोड़ा बैठक से चले गए हैं। और अब ये जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो योजना था, योजना की जो नाम था वो यथावत रखा गया। इसी तरह से कालीबाई योजना और देवनारायण योजना दोनों को सेपरेट करते हुए जो करने की बात थी तो उसको लेकर अनेक स्तरों पर चुकी विचार होना है, तो उसमें अभी तक की जो कार्रवाई की गई है वो बताई गई है। देवनारायण योजना के तहत क्या क्या काम किए गए हैं और क्या क्या काम कराए जाने हैं, इन तमाम बातों को लेकर, चूँकि इस देवनारायण योजना की बैठक भी अलग होती है तो वहाँ पर भी रखा दिया जाता है और यहाँ पर भी उन्होंने रख दिया था, तो उनका पूरा काम हो चुका है। लेकिन अब जो प्रक्रियाधीन भर्तियों का मसला है उन मसलों को लेकर बातचीत हो रही है। और जो मुख्य बात ये भी है कि जो आंदोलनकारी मारे गए थे उनमें उन आंदोलनकारी के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए, ये मांग की रखी गई थी और इसी तरह का समझौता हुआ था। तो सरकारी नौकरी के लिए जो तीन जो आंदोलनकारी थे उनके परिजनों को सरकारी नौकरी की प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी या उसको लेकर यहाँ पर विचार हो रहा है। दूसरी जो तमाम तरह की, जैसे हम मैंने पहले भी बताया कि 10 तरह की ऐसी भर्तियाँ बताई जा रही हैं प्रक्रियाधीन भर्ती जिसमें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है, तो इनमें क्या किया जाए। जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के लिए अभी उन्होंने बात छेड़ी थी और ये कहा था कि जितना आरक्षण इसमें देय होना था उतना आरक्षण उसमें देय नहीं हुआ और भर्ती परीक्षा करा ली गई, हालांकि वो बाद में स्थगित हो गई थी क्योंकि पेपर आउट हो गया था। इसी तरह से अन्य जो नर्सिंग भर्ती है या अन्य भर्ती हैं इनमें इसकी समीक्षा का काम चल रहा है कि भाई इसमें कहाँ खामी रह गई है और खामी रह गई है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले कमेटी बनी थी और उसने ये तय किया था कि जो जो लंबित भर्ती हैं, जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं और जो लंबित भर्ती हैं उनका पूरा एक कैलेंडर बना के और किस तरह से स्मूथली इसको प्रक्रिया की जाए, क्योंकि उधर से मुख्यमंत्री के निर्देश ये हैं कि सारी भर्तियां समय पर हों और इधर से जो इनकी जो मांग है कि इनकी आरक्षण की जो पालना करते हुए वो हो, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए इनको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। बहरहाल जानकारी लग पाई कि ये बैठक और कितनी लंबी चलने वाली है। और इसके अलावा जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जो आंदोलनकारी जिन पर मुकदमे दर्ज हुए, जब ये समझौता हुआ था तो ये था कि विड्रो कर लिया जाएगा, उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर हुई थी, क्या इस मुद्दे पर बातचीत हुई? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल विड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोई इस तरह का आंदोलन होता है, जब तक कोई प्रदर्शन होता है तो पूरा एक FIR पूरी एक प्रणाली होती है अनुसंधान की, और अनुसंधान की प्रणाली के तहत चार्जशीट विधिवत तरीके से पेश की जाती है। उस चार्जशीट में अलग अलग दिन अलग अलग पेशी होती है, अलग अलग मुकदमे बनते हैं, अलग अलग धाराओं में मुकदमे बनते हैं, तो इन तमाम कार्रवाई में, अदालती कार्रवाई में सरकार केवल इतना सा हस्तक्षेप कर सकती है कि सरकार की ओर से पक्ष जो रखा जाना चाहिए था
वो रखा जाए। तो उस रूप में उन्होंने जो पक्ष बनाया हुआ है सरकार ने, उसके बारे में बार बार गुर्जरों को, प्रतिनिधियों को पहले भी बताया जा चुका है और अब फिर वही बातें दोहराई जाएंगी, क्योंकि लेकिन जब अदालत में कोई प्रक्रिया होगी तो वो अदालत की पूरी प्रक्रिया के तहत होगी और उसमें सरकार उस लेवल तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि उसे उसमें न्याय के लेवल तक ले जाए। तो ये बात समझनी होगी, और हालांकि इन्हीं बातों को कन्विंस करते हुए ये बातचीत की गई है, और क्योंकि काफ़ी समय बाद हो रही है ये बैठक, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि ये बैठकें नियमित रूप से, मासिक रूप से या तिमाही रूप से कम हो, ताकि मुद्दे बड़े नहीं बने और मुद्दे बड़े नहीं बन के और कहीं असंतोष की भावना पैदा नहीं हो। बजेंद्र जी, बिल्कुल, यानी कि ऋतुराज, माना जाए कि जिस मामले का जिक्र आप करें, सरकार जब उसको लेकर रिपोर्ट देगी कोर्ट के अंदर, तो वो कहेगी कि ठीक है, राजकार्य में बाधा का जो मामला हो गया, तोड़फोड़ का मामला हो गया, उसमें फिर वो अपने पक्ष को इस तरीके से रखेगी कि फिर उसको पूरा डिसोल्व कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में जब कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो सरकार का पक्ष भी मीडिया के सामने उस रूप में नहीं बताया जा सकता। हम अपने अनौपचारिक रिपोर्टों में गाहे बगाहे इसका जिक्र करते रहते हैं, और हमारे जो गृह विभाग देखने वाले साथी थे, उन्होंने विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश भी डाला था कि किस रूप में, किस तरह से सरकार का पक्ष रखा जाना है और किस रूप से वो मुकदमे वापस लिए जाने हैं। जी बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, दरअसल बैठक चल रही है और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन चल रहा है। उनमें एक महत्वपूर्ण देवनारायण योजना, इसके अलावा जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे उनको विड्रॉ करने का मामला, और स्कूटी योजना, उसका नाम बदलने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। खैर, उसको लेकर बता दिया गया कि नाम यथावत रखा गया है। आगे